Hello and welcome, Season 2 Episode 6. Today's topic is Sweep in AutoCAD 3D. AutoCAD 3D में जो Sweep कमांड है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. Is there lots of variations in Sweep command? बहुत सारे variations हैं Sweep command में, बहुत सारे tools हैं उसके अंदर में जिसको हम लोग आज देखेंगे. तो starting करते हैं. 3D मॉडलिंग में आप स्विच कर लेंगे वर्कबेंच को और SE आइसोमेट्रिक में सेव कर लेंगे वीव को. उसके बाद 2D वायर फ्रेम लिखा है यहाँ पे, आप शेडेड में आपको क्लिक कर देना है. आफ्टर दैट यहाँ पे जो UCS आइकन है उसको आप सेट कर लेंगे. मैं कॉर्नर पे इसको रख दे रहा हूँ. इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है, जो हमारा स्वीप कमांड है उसका कमांड होता है SW. स्वीप को यूज़ करने से पहले हमें ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ेगा. दो टाइप के ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे हमें, पाथ और प्रोफाइल. तो क्रिएट करते हैं पाथ और प्रोफाइल. पहले मैं पाथ बनाता हूँ, यहाँ से प्लेन लेता हूँ, मैं राइट प्लेन में बनाता हूँ अभी पाथ को. लाइन लेता हूँ मैं और 0 0 दे दे रहा हूँ मैं, एंटर. उसके बाद ऑर्थो यहाँ पे ऑन कर ले रहा हूँ मैं. स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे, तो करीब करीब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ तक, एंटर. अभी फिलेट भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे. अभी हम टॉप में आते हैं और फिर यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हैं. यहाँ पे प्रोफाइल और पाथ दोनों रेडी हो चुके हैं. क्योंकि हम लोग अलग अलग जो वेरिएशंस जैसे कि मैंने आपको बताया है करने वाले हैं हम लोग, तो मैं इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज इसका क्रिएट कर लूँगा. अभी एक चीज़ यहाँ पे करना है आपको. अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो लाइन है वो डिफरेंट सेक्शंस में है अलग अलग, उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. जे एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हुआ, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया. अब ये सिंगल हो गया क्योंकि पाथ हमें सिलेक्शन करने हैं, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा. पाथ सिलेक्शन करने के लिए हमें एक सिंगल लाइन का ज़रूरत पड़ेगा, इस वजह से हमने ये ज्वाइन कमांड को यूज़ किया है यहाँ पर. अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है. अभी हम लोग स्वीप यूज़ करते हैं. कमांड होता है SW एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. उसके बाद फिर पाथ. इतना देने के बाद आपका जो ये बन जाता है. अभी तो यहाँ पे हम रोटेट करके देख सकते हैं कि सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है. अगर अभी हमें यहाँ पे इसको ओपन करना है, होल्ड करना है, तो क्या करेंगे, शेल कमांड का यूज़ करके इसको हम लोग हॉलो कर सकते हैं. शेल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कंट्रोल Z. शेल एंटर, कॉन्सेप्चुअल में रखते हैं अपन. शेल करते हैं यहाँ पे, एंटर. फिर रिमूव फेसेस. आपको एक एक करके जो जो फेस को रिमूव करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद एंटर कर देना है आपको। ऑफसेट शेल ऑफसेट डिस्टेंस 1 दे दे रहा हूँ मैं, एंटर। तो जो थिकनेस है वो 1 हो गया है। यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ मैं, और जो व्यू है हमारा ऐसी आइसोमेट्रिक में लेके आ जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ, तो ये जो है हॉलो हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। मैं वापस से इसको बाई डिफॉल्ट व्यू में लेके आ जा रहा हूँ। नेक्स्ट है ट्विस्ट। तो ये ट्विस्ट कैसा होता है देखते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर्कल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज कोई ऐसा। इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ, सेंटर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं कॉपी भी कर लेता हूँ इसको, प्रोफाइल को। देखते हैं आगे, SW एंटर। आपको सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद फिर क्या करना है, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ट्विस्ट, स्केल, बेस पॉइंट एंड अलाइनमेंट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ट्विस्ट। ट्विस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है ट्विस्ट एंगल। तो एक रोटेशन के लिए आपको 360 पुट करना होता है। तो मुझे 2 रोटेशन चाहिए, तो मैं 360 × 2 कर दूँगा, तो कितना होगा 720 अप्रॉक्स। एंटर ना करने के बाद आपको पाथ सेलेक्ट कर देना है। तो ये कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा। अभी सेम मैं इसको सरफेस में करता हूँ। सरफेस में करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ और डिलीट करता हूँ बाकी ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अभी एक सिंगल लाइन है, हम इसको क्या करेंगे, स्वीप करेंगे। SW एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ट्विस्ट, ट्विस्ट एंगल मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 720, एंटर। उसके बाद फिर पाथ। तो ये आप देख सकते हो ये कैसा होता है। ये एक सरफेस है, एक सिंगल लाइन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ नंबर ऑफ सर्कल्स। इसको कर देते हैं एरे। सेंटर पॉइंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, मैं 8 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंटर। अभी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये सर्कल को डिलीट करना है हमें यहाँ पे। उसके बाद इसको एक्सप्लोड करना है, एंटर। अभी हम क्या करेंगे, इसमें स्वीप अप्लाई करते हैं, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें इस पूरे को सलेक्शन देना होगा, ध्यान रखिए लाइन सेलेक्ट ना हो। एंटर। ट्विस्ट एंगल 720, एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, पाथ देना है। थोड़ा सा समय ले सकता है, कुछ सेकंड्स का। देख सकते हो एक रोप की तरह यहाँ पे क्रिएट होता है। ये स्वीप का ही है ये पूरा चीज़ जो देख रहे हो आप। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे स्केल। व्हाट इज स्केल, इसका मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल देखने वाला है तो नॉर्मल स्वीप करेंगे। अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसके बाद फिर स्केल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर एबो 1 पुट करते हैं वैल्यू तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होगा, और बिलो 1 करते हैं तो फिर छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे 0.5 कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा बनता है। ये सेलेक्ट पाथ देख सकते हो, 0.5 किया मैंने तो ये जस्ट इससे जस्ट आधा हो गया यहाँ का। तो ये है स्केल, आप वेरी कर सकते हो आप अपने प्रोफाइल को विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट है बेस पॉइंट। अभी मैंने एक सर्कल को यहाँ पे क्या किया, बेस पॉइंट से हटा दिया है। सपोज़ कि आपने जो स्केच बनाया है, प्रोफाइल बनाया है, वो कहीं और पे है, आपका प्रोफाइल यहाँ पे है और आपको जो आउटपुट है यहाँ पे चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, एंटर, उसके बाद बेस पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। बेस पॉइंट इसका यहाँ पे है, उसके बाद फिर प्रोफाइल को, तो फिर वहीं पे ही वो क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा अलाइन। तो यहाँ पे अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये 3D रोटेट है यहाँ, और तो हमारा ऑन था तो अभी मैंने ऑफ कर दिया है। देख सकते हो ये अलाइन कर दिया मैंने। अभी सेम इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं हम लोग अलाइन। कमांड है SW स्वीप, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अलाइंड में जा करके नो करना है, फिर पाथ को सिलेक्शन देना है। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट बना, अभी हम अलाइन के साथ में बनाएंगे। SW सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, अलाइनमेंट, यस, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट और बिना अलाइनमेंट के कैसा ऑब्जेक्ट हमारा जो बनता है। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, कमेंट एंड टेल मी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।